Welcome back, everybody. My name is Akshay Khurana, and I recently got Canadian PR. So the latest topic of discussion is, what are the effective ways to boost score in IELTS? So I will talk about all the modules. बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव टिप्स होंगे जेडे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस नाल है। इफ वी टॉक अबाउट लिसनिंग फर्स्ट, बहुत ही सिंपल टिप है। जदों भी टाइम मिलना, लाइक 30 सेकेंड्स इन बिटवीन सैक्शनस और 1 मिनट इन बिटवीन सैक्शनस और स्टार्टिंग दे विच टाइम मिलना, यूटिलाइज एवरी सैकेंड। जिदा ही टाइम स्टार्ट हुंदा, अपनी सारे क्वेश्चनस नूं एक बारी थोरली देखो, उन्हां दे कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, ब्लैंक जिहड़ी आ प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो एंड गैस करन दी कोशिश करो कि आंसर की हो सकता है, सो दैट जदों रिकॉर्डिंग चले तुहानूं कल्ली कल्ली चीज़ दा पहला ही पता होवे तुसीं की सुनना है। एंड वॉच इंग्लिश टीवी शोज़, कोई भी टीवी शोज़, एलन दा टीवी शोज़ देख लो, कोई भी नैटफ्लिक्स दे सीरीज़ देखो, बीबीसी न्यूज़ देखो, क्योंकि आज जिहड़ा आ उह इंग्लैंड मोनीटर करदा है, इंग्लैंड दी जिहड़ा एक्सेंट आ उह बीबीसी न्यूज़ ते तुहानूं मिल जाणा। मैं जो फर्स्ट टाइम दिता से आइल्स, मेरे 6 बैंड से लिसनिंग, बट आई रिक्वायर्ड 8 बैंड्स पर CLB9। 2 मंथ्स मैं आई चीज़ की है तो मेरे बैंड्स 8.5 भी आए या 9 भी आए उस तो बाद। इफ यू टॉक अबाउट रीडिंग, रीडिंग का एक बहुत ही सिंपल फंडा है, जेडे पहले 27 और 28 क्वेश्चन होंगे है, दैट आर वेरी ईजी, वोकैबलरी बहुत ईजी होंगी है, क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे जनरल रीडिंग के। ट्राई टू फिनिश दैट पार्ट एज क्विकली एज पॉसिबल, सो दैट तब तो इनफ टाइम होवे तुसीं फाइनल जिहड़ा पैसेज आ उहनू थोरली रीड कर सको, बिकॉज द लास्ट पार्ट इज रियली टफ, उहनू तुसीं हर एक लाइन नू थोरली रीड करना है, तुसीं स्किम नहीं कर सकते, तुसीं जे स्किम करोगे तुहानू आंसर नहीं लभने। एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, बहुत सिंपल टिप है, डोंट गैट कन्फ्यूज, बार बार पढ़ोंगे आंसर से कन्फ्यूज होंगे, बहुत सिंपल आ स्टेटमेंट, अगर सेम दिती है तो ट्रू आ, अगर दिती है बट ऑपोजिट आ फॉल्स आ, अगर बिल्कुल कुछ वो बारे गल नहीं की नॉट गिवन। राइटिंग की गल करिए, राइटिंग बहुत जाने CLB9 नहीं लै पाते, मैं खुद 7 to 8 बार दिता, आई वॉज स्टक इन 6.5। सो जी मैं ऑब्जर्व किए छोटे छोटे पॉइंट वो मैं डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट आ वर्क ऑन योर ग्रामर, ग्रामर पर काम करो जिन्ना ज़्यादा कर सकते, नॉट ओनली टेंसिस, टेंसिस तो करैक्ट है ठीक है, प्रेपोजिशंस ए एन द टू फ्रॉम फार, सारी कली कली चीज़ ध्यान ना लगाओ, फिर ही बैंड आने 7, नहीं तो 6.5 ते उन्होंने स्टक करके रखना है। सिंपल सेंटेंसिस के नाल नाल कॉम्पलैक्स कंपाउंड सेंटेंसिस सीखो, 2-3 घट्टो घट कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस होने चाहिए, इफ यू कैन यूज मोर दैन दैट दैन इट इज़ गुड, बट थोड़े तो होने ही चाहिए। कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस लाइक इफ द यूज करो, इफ कंडीशन लगाओ, वैदर लगाओ, और सेंस सारे कंपाउंड सेंटेंसिस, दो सेंटेंसिस जोड़ना विद विद एंड बट और येट, ये सीखो सारे। अगली गल राइट ऑन टॉपिक, ऑलवेज राइट ऑन टॉपिक, अगर तुम उदा ही कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दूंगे 6.5 तो बाद बैंड नहीं आने, जिनी मर्जी इंग्लिश वधिया हो। जनरल टॉपिक्स से नॉलेज इनक्रीज करो, कोशिश करो जिहड़े भी टॉपिक्स आते लाइक एजुकेशन से आते हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं, उन्होंने गूगल पर रिसर्च करो, वो बारे पढ़ो, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम तुहानूं पता होवे तुसीं की लिखना है, तब तो इनफ मटीरियल होवे लिखण दे लई। अदर दैन दैट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स नूं बहुत ही इंपॉर्टेंस दिंदे, परफेक्टली अलाइन होनी चाहिए टॉपिक सेंटेंस के नाल, एग्जाम्पल पढ़ते ही होल पैसेज का उन्हें पता लग जाए कि कहना चाहते हैं तुसीं। एंड इंट्रोडक्शन एंड कंकलूजन इक्वल इंपॉर्टेंस दवो, इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब यह नहीं कि उन्ना ही नंबर ऑफ वर्ड्स लिखो, बट कंकलूजन दे विच एक लाइन लगा के खत्म कर देना, जब टाइम खत्म हो गया 7 बैंड्स नहीं आने। कंकलूजन शुड बी फुली, फुली मीन्स यू हैव टू एक्यूमुलेट ईच एंड एवरी टॉपिक सेंटेंस इनटू दैट, यू हैव टू समराइज ईच एंड एवरीथिंग इनटू 2 or 3 लाइन्स। स्पीकिंग की गल करिए, आईएलटीएस स्पीकिंग दे विच 7 बैंड लेने बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट 2 or 3 थिंग्स। दूसरा और तीसरे पार्ट में ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स एज मैनी यू कैन, एग्जाम्पल्स के एक तो टाइम ज़्यादा तुम यूज कर यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं पेगा, एग्जाम्पल्स कोई भी टॉपिक आता है उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ के फॉर एग्जाम्पल लैके दस दो, आई कॉन्टैक्ट बना के रखो जिन्ना ज़्यादा बना के रख सकते हैं, इधर उधर देख के गल ना करो, चाहे एग्जामिनर थोड़े वाल नहीं देखता बट तुम ही देखो,
कॉन्फिडेंट रहो, नेचुरल रहो, बहुत ज़्यादा नेचुरल स्पीकिंग होनी चाहिए, एक्सेंट वगैरह मारने की कोई ज़रूरत नहीं हैगी, क्लैरिटी होवे तुहाडी स्पीकिंग 'च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लैरिटी मीन्स तुसी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाई वाई वोकैबुलरी यूज़ नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ईजीली गैट 7 पॉइंट्स, बट तुहाडी क्लैरिटी होनी चाहिए। तुसी सिंपल एक लाइन यूज़ की, वो लाइन का मतलब क्लीयर क्रिस्प उन्होंने पता लगना चाहिए। उस तो बाद जो गल करिए हाई फाई वर्ड्स जो आप रिमैम सोच के जाने हैं 5-7 दिमाग च कि आ बोलेंगे इंप्रैस होगा एग्जामिनर, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ये जो वर्ड्स आ ये डेली हैबिचुअल वाले वर्ड्स नहीं होते, ये याद करके आया। पार्ट टू के बहुत सिंपल फंडा है, स्टोरी बनाओ, जेड़ा तुम्हें 1 मिनट मिलता सोचने का, उससे स्टोरी बनाओ सो दैट यू कैन स्पीक फॉर 2 मिनट्स और मोर दैन दैट। सो ये सी फाइनल टिप, आई होप यू विल लाइक इट। अगर कोई भी थोड़े दिमाग कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल आंसर दैट, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।